भिंड जिले में रेत परिवहन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह के अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर दिए गए बयान पर भिंड जिले में अवैध रेत उत्खनन और ओवरलोड परिवहन पर एकदम से जाम लग गया था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जिले में अवैध रेत परिवहन और उत्खनन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। आमायान से भिंड तक तो रेत माफियाओं द्वारा खुलेआम ओवरलोड रेत परिवहन और अवैध परिवहन किया जा रहा है। एक तरफ तो अवैध उत्खनन से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ओवरलोड वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। भारोली थाना अंतर्गत तो बीच रोड पर ही ओवरलोड ट्रायलियां भरी जा रही हैं, जिससे रोड से निकलने वाले वाहनों को खतरा बना हुआ है। सिंध नदी का पुल का अस्तित्व खतरे में बना हुआ है। पुल के नजदीक मशीनों से रेत खनन किया जा रहा है। कहने को लहार से भारोली भिंड रोड पर दिन भर प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अवैध रेत परिवहन पर किसी की नजर नहीं जा रही। 7i न्यूज के लिए लहार से राजू त्रिपाठी की रिपोर्ट।